वेलकम टू सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूले, ताकि कोई भी वीडियो हो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं रसायन शास्त्र क्लास 10th का, ठीक है। रसायन शास्त्र क्लास 10th का है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कोई भी पाठ पढ़ने से पहले, हाँ इतना मैं कंफर्म बता देता हूँ, इसका पहले मीनिंग जानना होगा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? इसका तो आपको पहला पाठ है, और पाठ के बारे में क्या पाठ है उसका बारे में अगर आपको पता नहीं है तो पता कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये हाँ इतना जरूर है, मैं बता रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके झारखंड हो या बिहार बोर्ड हो, किसी भी हर हाल में नहीं पूछेंगे, मैं ये बात को चैलेंज करता हूँ, लेकिन जानकारी रहना बहुत जरूरी है। तो क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ये है विज्ञान का क्वेश्चन। अगर आपको पता नहीं है कि विज्ञान क्या है तो आप विज्ञान पढ़ना छोड़ दें। कारण क्या है, आपको बिल्कुल पता होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो जिससे विशेष ज्ञान प्राप्त होता है उससे विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो विज्ञान के माने आप समझ गए होंगे कि जिससे विशेष ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में कभी भी हिस्ट्री के तरह लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देना है, जितना शॉर्ट हो लेकिन रिएक्शन के साथ देना होगा, ठीक है। तो मैं वादा करता हूं कि आप जितना देर वीडियो में है आप पूरी तरह से देखें, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप एक पाठ याद करने में 2 से 3 दिन 5 दिन 10 दिन लग जाते होंगे, ठीक है। लेकिन बस आधा घंटा में एक पाठ क्लियर हो जाएगा, आधा घंटा भी नहीं, इससे भी आपको कम समय लगेंगे, ठीक है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका जानकारी हो जाएगा, तब उसके बाद मैं 5-7 को क्वेश्चन बता दूंगा उससे, और मैं क्या है रासायनिक संतुलित करने बता दूंगा, संतुलित करने से लेकर नियम बता दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल कोई भी हो बना लीजिएगा, इससे 5 को क्वेश्चन नहीं आएंगे और मेरा बताया हुआ से टच नहीं करेगा। तो आज के बाद से मैं विज्ञान के क्या पढ़ाना छोड़ दूंगा और वीडियो बनाने छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जितना दिन पढ़ाऊंगा इतना दिन आप ऑनलाइन रहिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, लिख रहे हैं बिल्कुल आसानी से, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, इधर लिखा हुआ है, लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, सभी में लिखना है ये पाठ में जितना भी क्वेश्चन है, ताकि आप शुरुआत नहीं भूल सकते हैं। सबसे पहले आंसर देना है वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ये पाठ से कुछ भी क्वेश्चन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट लिख देना है वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब नया गुण वाला, गुण नया होना चाहिए और नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। अगर आप इसका इंग्लिश से भी कन्वर्ट करना चाहते हैं और CBSE बोर्ड से अगर पढ़ते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वाले नए, जिसमें नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद सारा पूरी तरह से आप ध्यान दीजिए, आपको सारा क्वेश्चन आप 1 घंटा से आधा घंटा में 1 बार से 2 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको याद करने और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई पूछ दिया आप रास्ता चलते बता दीजिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आप इतना कर सकते हैं, इतना ही नहीं आपको अगर चाहिए विज्ञान हो, क्लास 10th का मैं बात कर रहा हूँ, साइंस हो, साइंस का हो या मैथ का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, क्लास 10th का कोई भी वीडियो आपको चाहिए, आपको सही सटीक और संपूर्ण मिल जाएगा। हाँ
इतना मैं वादा करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हमसे गलती नहीं होगा। 100 में 99.9% मैं वादा करता हूँ कि गलत नहीं होगा। शायद हम क्या बोल रहे हैं, 100% नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही कम ऐसा होगा कि 19-20 मिस प्रिंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन गलत नहीं होगा। तो आप पूरी तरह से तन मन से चैनल पर आप ध्यान देकर और पूरी तरह से वीडियो को देखें, आपको कभी भी गलत नहीं होगा। और आपको एग्जाम में, आपको एग्जाम में मैं वादा कर रहा हूं कि आपको 99 से लेके 100 नंबर आ जाएंगे, ठीक है, साइंस में, हर विषय में। मैथ का तो बात ही छोड़ दीजिए, आपको कभी भी इस चैनल से पढ़िए, 100 में 99 दे दिया तो उस पर कानूनन कार्रवाई हो जाएगा, ठीक है। तो 100 में 100 बिल्कुल आप कंफर्म कीजिए। अब बात, सवाल आया होगा कि मैथ तो होता है 80 नंबर का, प्रैक्टिकल के लेके मैं बात कर रहा हूं कि 100 में 100 आ जाएगा, तो साइंस में 99 से 100% नंबर आ जाएगा। और आपको नंबर देखने के लिए यानी रिजल्ट देखने के लिए दूसरा जिला से आ जाएंगे देखने के लिए कि इसका बेटा या इसका बेटी इतना नंबर कैसे ला दिया है, वो भी आश्चर्य कर जाएगा, ठीक है। और आप पूरी तरह से मने मने मुस्कुराते रहिएगा कि कैसे आया है, तो आश्चर्य वाली बात हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, पूरी तरह से जानकारी रहना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो उसकी पूरी तरह से डिटेल बाय डिटेल जानकारी रहना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाइएगा। रट के जो पढ़िएगा आप भूल जाइएगा, कितना आसान है। नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, नया गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आ गया रासायनिक अभिक्रिया, अब बताएंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पाठ का इसलिए मैं बता दिया हूँ, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं जो बोल दूंगा कि आ जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ठीक है। इतना ही नहीं, आपको अगर चाहिए 9th, 10th, 11th, 12th BA, BSc, MA, MSc तक का भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। BSc का कोई भी विषय हो, ठीक है, यानी आर्ट्स का हो, BA का, यानी बात कर रहे हैं BA का आर्ट्स हो या BSc का साइंस का कोई भी हो, मैथ ऑनर, फिजिक्स ऑनर, केमिस्ट्री ऑनर या BA का कोई भी हो, जियोग्राफी ऑनर, इकोनॉमिक्स ऑनर, किसी भी तरह के वीडियो आप इस चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट बना होगा। और कोई भी वीडियो समझ में नहीं आएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाइए, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एजुकेशन वाला चैनल है, आप सब्सक्राइब कर दें। कारण क्या है कि आप बेवजह के फालतू सब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह की कठिनाइयाँ नहीं होगी। हाँ, वीडियो समझ में आएगा तो लाइक करना है, अन्यथा नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया, कोई पूछ दिया कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण तो पढ़ते हो नुनू, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जानकारी हो गया। अगर आप विज्ञान पढ़ते हैं तो बोल दिया विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप पूरी तरह से जान गए, जिससे विशेष ज्ञान प्राप्त हो उसे विज्ञान कहते हैं। तो ध्यान देना, इसमें भी पूरी तरह से शॉर्ट में आंसर देना है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो चलिए लिखना है वाईसी रासायनिक, क्या बोले ये बात लिखना ही है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या करना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जिसमें संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है अब लिख सकते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस चैनल पर आप जुड़ जाइए, कभी भी कोई भी किताब हो, गणित हो, ठीक है, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, आपको किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन से मैं गारंटी बोलता हूँ कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं जो बोलता हूँ उतना ही सुनो, अगर नहीं आया तो मैं तो बार बार एक ही बात नहीं बोलना चाहूँगा कि वीडियो बनाना छोड़ दूंगा और
इंटर इंटर बीए के साथ साथ मैट्रिक को भी तीनों को पढ़ाने छोड़ दूंगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसे पूरी तरह से सिर्फ ध्यान दे। आप एक पाठ याद करने में 2 से 5 दिन 10 दिन लगा सकते हैं, तो आप आधा घंटा में आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन था नए पदार्थ का निर्माण होता है, और दूसरा है जिसमें संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिख दीजिए, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, कभी भी मेरा आदत है कि कभी भी मैं किताब देखकर कभी नहीं पढ़ाऊँगा, विज्ञान हो और गणित हो, ये दोनों खास करके आप इतना कन्फर्म कर लीजिए, और सोशल साइंस को कोई भी क्वेश्चन आप हमें पूछ सकते हैं, पूरी तरह से आपको हमेशा के लिए मैं पूरी तरह से ऑनलाइन जवाब दूंगा कन्फर्म के साथ। कारण क्या, ये तीनों विषय पूरी तरह से कन्फर्म तौर से कभी भी किताब लेकर नहीं लिखाते हैं और नहीं लिखाएंगे। बस एक मिनट, आप पूरी तरह से ध्यान से देखिए, आपको पूरी तरह से मैं बोल रहा हूँ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान दीजिए, ठीक है, कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए बिल्कुल आसानी तरीका से, मैं बोले कोई भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट क्या लिखना है आंसर में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ध्यान दीजिएगा, संयोजन, संयोजन मतलब होता है संयोग करता है, कहीं पर भी हो सभी को एक साथ क्या करता है, संयोग करता है, यानी जुटता है, योग करता है, ठीक है, संयोजन मतलब सम, एक साथ संग, सम मतलब क्या होता है, एक साथ मतलब संयोग करता है, ठीक है, संयोजन उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो गो है, ठीक है, दो गो है या तीन गो है, तीनों मिल के का गो बनना चाहिए, एगो बनना चाहिए, संयोग करता है, ठीक है, तीन गो दो गो जो भी है उससे मिलकर क्या करता है, एगो बनता है। और वियोजन में क्या होता है, एगो टूटकर दो या दो से अधिक बनता है, बस शॉर्ट में यही जवाब देना है, लंबा चौड़ा नहीं करना है, विज्ञान है, ठीक है, आपको नहीं कटेंगे भूल से भी कोई नंबर, एक भी नंबर। तो ध्यान दीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें संयोजन में क्या करना है, संयोग करता है, दो गो हो सकता है या दो से अधिक, एगो से एगो नहीं बन सकता, दो गो तीन गो चार गो पाँच गो से कितना बनना चाहिए, एगो, दो गो हो सकता है, तीन गो चार गो पांच गो कुछ भी बन सकते हैं, तो ऐसा वर्ड लिखना है, दो या दो से अधिक होना चाहिए, दो गो होना चाहिए या दो से अधिक होना चाहिए। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या कितना होना चाहिए, दो से अधिक, क्या बोले, ये तीनों एक दो ये दोनों मिलकर कितना बनना चाहिए, एगो बनना चाहिए, ठीक है, इक्के में एगो बनना चाहिए, दोनों क्या हो जाना चाहिए, ज्वाइंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक हो सकता है, दो या दो से अधिक वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते है, आप लिख दीजिएगा, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, आराम से पूरी तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है, इसका नहीं, ये केमिस्ट्री है, आपको रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक होना चाहिए, मिलकर एगो बनना चाहिए, और इसका विपरीत वियोजन, वियोजन में क्या करना है, ध्यान दीजिए, वियोजन में कर देना है हल्का सा विपरीत, वियोजन में करना है, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोले, ये वर्ड भूल से भी नहीं छोड़ना है, लिखिए देना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया शुरू, अच्छा क्या करते हैं अक्सर स्टूडेंट, अक्सर छात्र भी क्या करते हैं, ठीक है, पूछने से पहले बोल देते हैं कि शुरू भूल गए, तो शुरू भूलना नहीं है, सब में वही बात लिखना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया,
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से मिलकर एक बना, तो इसमें उल्टा लिखना है, एकल उत्पाद टूटकर क्या करना है, दो या दो से अधिक हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम दो वो होना चाहिए या दो से अधिक हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका उल्टा करना है, जब दो या दो से एकल बना तो इसको उल्टा करना है, एकल टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है, रटना नहीं है, रटना मना है, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, आप लिख सकते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन वियोजन हो गया। अब दोनों को क्या करना है, रिएक्शन, आसानी से लिख सकते हैं, कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं मैं बोल रहा हूँ, तो संयोजन को पहले लिखते हैं, संयोजन का रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पर वियोजन का, ठीक है, संयोजन और मैं वियोजन का रिएक्शन लिख रहा हूँ, संयोजन और वियोजन का रिएक्शन आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह लिखना है, ठीक है, संयोजन का हो जाएगा दो या दो से अधिक, दो ये को लिखते हैं, चलो ना, कुछ भी लिख सकते हैं, C+O2 बराबर क्या आ जाएगा, CO2, एक हो गया संयोजन, दो को मिलके एगो बन गया है, एक ही साथ लिख दिया है, और इसको उल्टा कर देना, जब उल्टा है तो इसको इधर लिख देना है, इसको उधर भेज देना है, CO2 क्या आ जाएगा, C+O2, बिल्कुल आसान से लिख सकते हैं, और आप कभी नहीं भूलिएगा, कुछ भी रिएक्शन लिख सकते हैं, दो तीन को मिलकर एगो बनना चाहिए, आप CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान को आकर्षित होकर देखें, अगर आपका ध्यान कहीं है तो पूरी तरह से आकर्षित हो जाए, सिर्फ आपको देखना है और लिखने और सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको मैं बोल रहा हूँ, कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार मैं बोल रहा हूँ, रटना मना है, रट कर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, आंसर ध्यान दें, बस दो मिनट में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहले डायरेक्ट हमें लिखना है इसका आंसर में, ठीक है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एकदम बोर्ड के अलावा कहीं भी ध्यान नहीं देना है, बोर्ड देखे बस आप आदमी बन जाइएगा, सिर्फ आपको बोर्ड देखना है, विस्थापन, तो सबसे पहले मैं विस्थापन का डिफिनेशन देता हूं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन, एक बार क्या हुआ था, बोर्ड परीक्षा में आ गया था, उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब तो बच्चा सब पूरा चकरा गया था कि क्या करें, सब छोड़ के आ गया था, लेकिन मैंने बोल दिया था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम उभय अपघटन भी आ सकता है, ठीक है, विद्युत जनित्र को डायनेमो से भी सूचित किया जाता है, तो टेंशन नहीं लेना है, विस्थापन अभिक्रिया के सबसे पहले परिभाषा देना है, ध्यान दीजिए, ये जो हुआ विस्थापन अभिक्रिया, पूरी तरह से ध्यान दे, सबसे पहले मैं बार बार बोल दिया हूँ, एक ही बात केमिस्ट्री में, एक ही बात लिखना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि जिस तरह एक ही वर्ड बार बार लिखना है वही तरह लिखना है, ठीक है, ये वर्ड बार बार लिखना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, बस हो गया, क्या करना है, जिसमें मैं बिल्कुल समझा दूंगा, रटने नहीं दूंगा, ठीक है, और रटने नहीं देंगे, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, पिछले वीडियो में मैं बता दिए थे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी तत्व हो, ठीक है, कोई तत्व यहाँ पर लिखना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर, ठीक है, दूसरे
तत्व को हटाकर, दूसरे तत्व को हटाकर, ठीक है, दूसरे तत्व को हटाकर उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। मतलब जो वहां पर तत्व है उसका स्थान हटा के वो उसका जगह चल जाता है, वही बात है। दूसरे तत्व मतलब जो है वहां पर, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको बिल्कुल समझ में, दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे आप लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण लिखना है, ठीक है, इसका उदाहरण क्या देना है, अभी मैं तुरंत समझाया हूं, उदाहरण में लिखना है, यहां पर लिख दिया है, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, कोई भी तत्व, तत्व एक होता है और यौगिक दो या दो से मिलकर बनता है। अब तत्व यार यौगिक जानकारी न है तो बिल्कुल एग्जाम देना छोड़ दे, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक को दूसरे तत्व को हटाकर, ये तो छोटा मतलब 6-7 में ही जानकारी होना चाहिए, अगर नहीं भी जानकारी है तो मेरा वीडियो बना होगा, डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक में दिया गया होगा, ठीक है। एक तत्व जो है, ठीक है, एक तत्व को हटाकर दूसरे तत्व को, मतलब कोई तत्व किसी यौगिक को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, Fe, आपको मैं समझा दूंगा, FeCuSO4, यानी इसका स्थान हटा कर ये घुस जाता है, ठीक है, इसका जगह में ये आ जाता है, तो Cu के जगह में क्या लिखना है, FeSO4, यही चीज हो गया Fe, और ये जो बच गया इधर हो गया, ठीक है, ये जो बच गया यहाँ पर लिख दिया Cu। आपको कभी भी रिएक्शन भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, किसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, किसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में लिखना है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक, बार बार लिखना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक, जिसमें दो अभिकारक, जिसमें दो अभिकारक, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों को, अपने मूलकों को अदला बदली, अदला बदली, अदला बदली, अपने मूलकों को अदला बदली करके, अदला बदली करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका रिएक्शन हो जाएगा, उदाहरण हम लिख सकते हैं NaCl, ठीक है, NaCl प्लस हो जाएगा NaCl, AgNO3, तीर के निशान। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है कि अपना स्थान अदला बदली कर लेता है, ठीक है, इसका जगह जो है Ag एगो लिखे तो एगो शुरू वाला, इसका लिखे तो इसका क्या कौन सा लिखना है, अंत वाला, ठीक है, इसका शुरू वाला लिखे तो इसका क्या लिखेंगे, अंत वाला, ठीक है, इसका शुरू वाला लिखे, मान के चलिए, ध्यान दीजिए Ag, तो इसका शुरू वाला, इसमें दो तत्व है, एक दो, इसमें भी दो तत्व है, ठीक है, Ag लिखे तो एगो क्या लिख दिए Cl, तो इसमें लिखना है, क्या लिखना है, इसका शुरू वाला लिखना है तो इसका अंत वाला Na, अब क्या हो गया NaNO3। आपको रटने की जरूरत, रिएक्शन नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप रटते रटते बिल्कुल परेशान हो जाइएगा, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ आपको रटने नहीं दूंगा और बिल्कुल आसानी से
इस पर जुड़े रहे, आपको और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, आप कहीं मत जाइए, बस आप इस चैनल के भरोसे से पढ़िए, आप पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाइए। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, उष्मा शोषी एवं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दे, अगर ध्यान कहीं है तो फिर से माइंड को संतुलन में लाएं ताकि आप रटने से बच सकते हैं। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, उष्मा शोषी मतलब शोषण करना, मतलब अवशोषण करना, उष्मा शोषी मतलब होता है शोषण करना यानी अवशोषण करना, उष्मा क्षेपी, क्षेपी मतलब छोड़ना यानी उत्पन्न करना। ठीक है, तो लिख सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आए डायरेक्ट लिखना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण हो, शोषी है तो उष्मा का शोषण, उष्मा क्षेपी है तो उष्मा उत्पन्न करता है, लिख सकते हैं, बस हो गया और कुछ नहीं। बस देखिए दो मिनट में, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, देखिए बिल्कुल, इसलिए ये चैप्टर अक्सर छात्र छात्राएं इसलिए नहीं समझते हैं कि कारण क्या होता है कि टीचर जो किताब देखकर जो पढ़ाते हैं, ठीक है, किताब जो देखकर टीचर अक्सर टीचर पढ़ाते हैं वही लेके उसको ध्यान रखता है बार बार देखने का, तो समझाएगा कहाँ से उसको खुद, अगर वो कुछ क्वेश्चन टीचर अगर नहीं समझते हैं तो उसको नहीं पढ़ाना चाहिए, विज्ञान नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, विज्ञान और मैथ का नियम है सिर्फ क्वेश्चन देखें, ओरिजिनल किताब से पढ़ाएं, खास करके टुडे हो पासपोर्ट हो कभी नहीं पढ़ना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, सभी बोलता है कि टुडे में अच्छा है, नहीं, टुडे में मैं 5 से 10 जगह कम 7-8 जगह तो कोई शक ही नहीं है, 7-8 जगह गलत है। मैं अगर आपको किसी का भी प्रूव्ड करना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा पेज नंबर कहाँ से कहाँ गलत है, वर्मा का जो टुडे है अक्सर विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन वो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, तो गलत से बचे। ठीक है, प्रूव्ड करने बोलिएगा तो मैं बिल्कुल प्रूव्ड कर दूंगा। तो किताब का नहीं है दोस्त, किताब प्रिंट उतना करने में हो ही जाते हैं गलती या मिस प्रिंट हो जाते हैं, कोई दिक्कत, मिस प्रिंट नहीं, बिल्कुल गलत छाप देता है। ठीक है, उल्टा पुल्टा करके बैठ जाता है, तो ध्यान दे, तो उष्मा शोषी एवं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। बिल्कुल कभी भी टीचर को, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज कृपया करके कोई भी टीचर है तो किताब देखकर बच्चों को शिक्षा नहीं दें, नहीं तो उससे क्या होते हैं कि बच्चे का ध्यान आपका बार बार किताब में ही रहेगा, तो बच्चा को समझाइएगा कि एक बार आप सोच लीजिए, उष्मा शोषी मतलब शोषण करना, उष्मा क्षेपी मतलब छोड़ना यानी उत्पन्न करना, हो गया, बस लिखिए आंसर हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आंसर हो गया वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण हो, उष्मा का शोषण हो, और अपना शुद्ध तरीका से लिख सकते हैं तो अवशोषण लिख सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण हो, लिख दे, कोई नहीं काट सकता, एक नंबर भी कोई काट दिया तो हमें कमेंट करके बताएं कि ऐसा टीचर काट दिया, मैं उस पर सख्त कानूनन कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, आज तक हमसे जो भी पढ़ा है 10th में 11th में 12th में फुल में फुल नंबर मिलता है, कारण क्या, पढ़ाने का जो शैली होता है, जो एक स्टूडेंट लिखता है उसको फुल में फुल 99, 100 में 100 आ जाते हैं, 99 से ज़्यादा कटते ना है, 90 पार तो पूरी तरह से बारिश हो जाता है विद्यार्थी के, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट हर बार 90 पार विज्ञान में कर देते हैं और मैथ में, मैथ का तो बात ही छोड़ दीजिए, 100 में 100 तो लगभग स्टूडेंट का रहता है। ठीक है, आप इसका प्रूव भी करना चाहिएगा तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, एक एक करके रोल कोड के साथ दूंगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, आप लिख सकते हैं, ये नहीं बोलिएगा कि छूट गया, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देते हैं, ठीक है, उदाहरण हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, उदाहरण हो जाएगा N2। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान दीजिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, N2 हो जाएगा N2 प्लस, जोड़ देना है, उष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, N2 प्लस O2, तो N2 2 को N2 है और O2 भी 2 को है, तो यहाँ पर लिखने से सभी का हो जाता है, अगर 2 लिख के NO लिख दिए तो N भी 2 को हो गया, वो भी 2 को हो गया। ठीक है, ये आप बिल्कुल जानते होंगे, मैथ पढ़ते होंगे तो। ठीक है, अगर आपको जानकारी नहीं है इस तरह के रिएक्शन कहाँ से आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाएं, मैं इसका भी बारे में बात किया हूँ बहुत अच्छी तरीका से। ठीक है, इसका हो जाएगा नेगेटिव
43 लगभग इसका जो उष्मा जो श्वसन करता है लगभग 40 से 45 के बीच में करता है, तो मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन तब भी मैं बोल देता हूँ लगभग 43.2 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, लगभग मैं कंफर्म हूँ 43.2 किलो कैलोरी होता है, 40 से 45 के बीच में होता है, तो 43.2 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, इसके बाद है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो लिखे वही तरह वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या लिखते हैं, जिसमें उष्मा उत्पन्न करता है, जिसमें उष्मा उत्पन्न करता है उसे लिख सकते हैं, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लिखे C+, उदाहरण में लिखे, ठीक है, C+ कौन है जी, C+O2 हो गया, यहाँ पर लिखना है वही तरह लिखना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न करता है उसे लिख दीजिएगा, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आराम से लिखिए, आपको रटने नहीं देंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ C+O2 हो गया। ठीक है, तीर के निशान CO2, इसमें माइनस हुआ तो इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, काहे उष्मा उत्पन्न करता है, छोड़ता है, तो छोड़ता है, इसके पास ज्यादा होगा तभी ना छोड़ रहा है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उष्मा अवशोषण कर रहा है यानी कि माइनस में कर रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 94.45 यानी हो जाएगा 94.45 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कभी भी रटने, क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, मैं एक बात समझा रहा हूँ तो बिल्कुल आप पूरी तरह से ध्यान दे, अगर एग्जाम में आ जाएगा रेडोक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रेडोक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम है उपचयन अपचयन, दोनों मिलकर उपचयन अपचयन का दूसरा नाम क्या है, अपचयन। ठीक है, उपचयन अपचयन से एक ही बात बोलने से दोनों का नाम हो जाएगा रेडोक्स अभिक्रिया, तो रेडोक्स आ जाएगा तो उपचयन और अपचयन का परिभाषा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं बता देता हूँ, पिछला वीडियो में बताए थे संयोजन और क्या था वियोजन, संयोजन और था वियोजन, संयोजन और वियोजन। अब एग्जाम में आ जाएगा कि संयोजन एवं वियोजन अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपघटन, तो इसका मतलब भी होता है वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम है उभय अपघटन अभिक्रिया, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो मैं बता रहा हूँ अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेप, देखिए यहाँ पर क्लियर बोल रहा है अवक्षेपण, तो अवक्षेप लिख सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया अपना लिख सकते हैं जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, बस हो गया, बिल्कुल ध्यान दीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्वेश्चन बोल रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दे, लो अब बोल दिया उदाहरण दे, इसका वास्तव देते रहो, मतलब क्वेश्चन लिखने का किताब तो बना दिया, विद्यार्थी था पूरा पागल हो रहा है, पढ़ रहा है क्या करेगा, जवाब देना ही होगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, लिख सकते हैं। अब उदाहरण देना है, क्या बोल रहा है, उदाहरण दे, अब बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि आपसे कोई भी ज़्यादा नंबर ला दिया तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। ठीक है, कोई भी ज़्यादा नंबर नहीं ला सकता है आपसे, अगर आप 60 लाते हैं तो वो 30 लाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे, अच्छे स्टूडेंट रहेंगे तो 40 से 45 नंबर का और फिर रहेगा हर विषय में, तो 15 के 90 नंबर का, यानी 90 से 100 नंबर का डिफरेंट रहेगा, आपके सामने टिकेगा ही नहीं, आपसे दूर भागेगा, विद्यार्थी जो है आपसे बिल्कुल दूर भागेगा, मैं बोल रहा हूँ, तो उदाहरण देना है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन ध्यान दे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, तो उदाहरण देना है Na2 क्या हो जाएगा, Na2SO4, मैं अवक्षेप का निर्माण कर रहा हूँ। ठीक है,
Na2SO4। मन में सवाल आता होगा कि Na2 कभी दे देता है, SO4 दे देता है, जब मन करता है तब दे देता है, ये भी मन में सवाल आता होगा। तो इसके लिए देखो मैं लिंक दे दिया हूँ, अब इसको समझाऊंगा तो 15-20 मिनट लग जाएगा एक और से डिटेल बार। तत्व होता है, यौगिक होता है, उसका परिभाषा, दो कहाँ से आया, चार कहाँ से आया, उसमें देना होगा। तो अभी मैं फिलहाल बता रहा हूँ, मैं कोर्स बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो 2-3 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसका भी समझना है तो नीचे जो है YouTube चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक से जाएं आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर से आता है, ठीक है, Na2SO4 हो गया, ठीक है, प्लस Na2 अवक्षेपण अभिक्रिया में हो गया, प्लस हो जाएगा, पहले यहाँ पर ध्यान देना है, Na2SO4 हो जाएगा BaCl2, तीर के निशान हो जाएगा। वही बात जिस प्रकार अपने आयनों को अदला बदली करके, तो हो जाएगा यहाँ पर एगो ये लिए, यहाँ पर दूगो है, यहाँ भी दूगो है, एगो Ba, तो एगो क्या हो जाएगा SO4। इसका शुरू वाला लिए तो इसका लास्ट वाला, अब इसका शुरू वाला लेंगे, ठीक है, Na क्या हो जाएगा बताइए, Na2 Cl2, इस तरह कभी नहीं होता। तो एक के बार मैं दो तो है ही है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा तो दोनों का काम हो गया, 2NaCl हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर चार है, नहीं तो फिर बोलिएगा कि 6 कैसे हो गया, ठीक है, तो बिल्कुल समझ गए। अब अगला वीडियो है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, तो सीधा लिखना है YC रासायनिक अभिक्रिया, सब में YC रासायनिक, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ नहीं तो वीडियो बड़ा हो रहा है, YC रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, बस उल्टा होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का योग आ जाएगा, ऑक्सीजन के योग एवं हाइड्रोजन के ह्रास्व के आधार पर उपचयन अपचयन को परिभाषित करें, बस यही तरह लिखना है, YC रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग लिख सकते हैं या वृद्धि लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास्व होता है, हाइड्रोजन का, ठीक है, डायरेक्ट लिखे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक है, मैं क्लियर नहीं लिखा हूँ, हाइड्रोजन का ह्रास्व होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन में लिखना है YC रासायनिक अभिक्रिया, उल्टा करना है, YC रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, इसमें लिखना है ऑक्सीजन का योग हुआ और इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ यानी हानि हुआ, तो इसमें लिखना है ऑक्सीजन का ह्रास, उल्टा ऑक्सीजन का ह्रास एवं क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का वृद्धि हो या योग हो, उसे क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन, जिसे दोनों नहीं बोलना है, उपचयन अपचयन तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसका परिभाषा दे देता हूँ, इसका उदाहरण दे देता हूँ, CuO यहाँ पर देता हूँ, ठीक है, CuO प्लस हो जाएगा H2, तीर का निशान, थोड़ा बात के समझिएगा, CuO है, ठीक है, CuO प्लस क्या हो जाएगा, H2 हो गया, ठीक है, तब यहां पर हो जाएगा CuO प्लस H2O, CuO प्लस क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, तो यहां से आप लिख सकते हैं, ये वाला जो हुआ इसको लिख दे उपचयन अभिक्रिया, उपचयन, और ये वाला जो बच गया एक के बार हो गया अपचयन अभिक्रिया, एग्जाम में आ जाएगा, वैसा उदाहरण दे जिसमें उपचयन अपचयन अभिक्रिया होता है, उपचयन अपचयन का एक अभी यानी उदाहरण दे, तो यही तो लिख देना है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण दे तो यही लिख देना है, ठीक है, उपचयन अपचयन का परिभाषा आया और उदाहरण लिखने बोला, यही लिख देना है, ठीक है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यही लिख देना है, ऑक्सीजन के योग एवं हाइड्रोजन के ह्रास पर ऑक्सीजन उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया का परिभाषा दे, तो यही तरह लिख देना है, उदाहरण दे देना, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, परीक्षा में आ गया था एक बार, तो आया था, ठीक है, कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, सब छोड़ के आ गया,
तो मैं कुछ विद्यार्थी को बता दिया था यहाँ जो कोचिंग पढ़ता है, तो सब लिख के आया, सब आश्चर्य खाने लग गया कि ये कहाँ से लिख दिया। जब पूरी तरह से चेक हुआ तो उसका पूरी तरह से तारीफ होने लग गया। तो मैं जो बोलता हूँ क्लास मैथ में यानी कि कम से कम 5 से 10 नंबर का जो होता है, ठीक है, 5 से 10 नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाता है किताब से बाहर, और क्या सूत्र उत्र थोड़ा सा इधर उधर से थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो किताब से उदाहरण से दे दिया जाता है, तो उदाहरण जो होता है ना, जो उसका एक्सरसाइज होता है उसी से दे दिया जाता है ताकि बच्चा घबराए, सूत्र दे दिया, तो ये सब किताब से मानिए तो वो बाहर ही होता है। तो वो सब भी आपको कन्फर्म 80 में मैथ में 80 में 80 लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपको परीक्षा से पहले सभी तो बोलते हैं ये चारों पढ़ो एगो आ जाएगा, ये तीन गो पढ़ो एगो आ जाएगा, ये 8.4 पढ़ो पूरा 8.4 पढ़ो तो कोई बोलेगा कि ये आ जाएगा, नहीं मैं बोलूँगा दो गो, जिसमें सस्पिशन लगेगा तो मैं बोलूँगा कि दो गो पढ़ लो, ये दोनों में एगो आएगा 28 नंबर में, तो 12 नंबर में आएगा तो आएगा। किसी को मैं बोल दूंगा परीक्षा से 5 दिन पहले कि 24 नंबर में या 23 नंबर में या 20 नंबर में आहीठो क्वेश्चन एगो बता दूंगा, एकदम आहीठो छाप के आ जाना है, क्वेश्चन आँख बंद करके जाना है, पलटा के छाप के आ जाना है, बिल्कुल आएगा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मिस हुआ है, और आएगा तो आएगा, ऐसा होता ही है, ठीक है, कन्फर्म। आज नहीं 10 साल से वही तरह हो रहा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो अगला वीडियो है, मैं बात कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये जो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है, कारण है नहीं पूछने का, लेकिन आप पूछ सकता है, कुछ कारण है इसमें क्यों, क्योंकि अब क्यों पूछ सकता है, ठीक है, तो मैं बता दूंगा कि अब क्यों पूछ सकता है, और पहले इतना दिन से 10 साल 12 साल क्यों नहीं पूछा, ठीक है, 11 साल 12 साल में क्यों नहीं पूछा। तो पहले इस चैप्टर से सिर्फ रिएक्शन दिया जाता है, तो रिएक्शन भी समझाऊंगा, सिर्फ रिएक्शन और एक नंबरिया दिया जाता है। अब नया पैटर्न जब चालू हुआ तो इससे एक दो नंबरिया क्वेश्चन दिया जाएगा, तो वो क्वेश्चन भी इस बार टर्निंग पॉइंट रहे। ध्यान दीजिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है, इसका आंसर लिखना है कि जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखना है जो भोजन हम खाते हैं उससे ऊर्जा मिलती है, पाचन के दौरान जो भोजन हम खाते हैं उससे ऊर्जा मिलती है, और पाचन के दौरान, ठीक है, यहाँ पर लिखना है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है, जो भोजन हम खाते हैं उससे ऊर्जा मिलती है, पाचन के दौरान भोजन में उपस्थित, भोजन में जो भी उपस्थित होता है वो कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है टूटकर कार्बोहाइड्रेट टूटकर क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6, जिसका ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक है, C6H12O6 जो C6H12O6 के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट टूटकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर, और क्या करता है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है, ग्लूकोज, यही बात लिखना, जो भोजन हम खाते हैं उससे ऊर्जा मिलता है पाचन के दौरान भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है टूटकर क्या बनाता है, यही बात लिख दे, कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है, और फिर क्या करता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा देता है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से मिलकर क्या देता है, ऊर्जा देता है, यानी इनर्जी देता है, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा देता है, और श्वसन अभिक्रिया से ऊर्जा निकलती है, और क्या होता है, श्वसन अभिक्रिया से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, इसलिए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बस हो गया, इतने सा आंसर लिखना है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं समझा देता हूँ, और आप तो तेज हैं, आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान से, और रुक रुक कर मैं समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा है, ठीक है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियन रिबन को साफ क्यों किया जाता है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियन रिबन, अब मैग्नीशियन रिबन क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ, मान के चलिए कोई बर्तन हुआ, ठीक है, ये वाला जो होता है, ठीक है, जो आदमी हाथ से पकड़ कर इसको फूकता है, यहाँ पर गोला रहता है, ठीक है, यहाँ पर गोला रहता है, मान के चलिए ये जो होता है ना, यहाँ पर जो बर्तन रहता है, यहाँ पर गोला, यहाँ पर, इसी को मैग्नीशियन रिबन बोला जाता है, ठीक है, मैं चित्र के साथ बता दूंगा, जब चित्र इससे आएगा और बताऊंगा तो, ठीक है, तो अभी समझना ना है, इसे हम समझा दिए हैं। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियन रिबन को साफ क्यों किया जाता है,
तो आंसर लिखना है, ठीक है, आंसर लिखना है मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर, मैग्नीशियम धातु जो होता है सामान्य ताप पर नम धातु की उपस्थिति में, कौन धातु की उपस्थिति में, नम वायु की उपस्थिति में, ठीक है, लिखना है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो लिखना है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो आंसर लिखना है, ठीक है, मैग्नीशियम जो है, ठीक है, मैग्नीशियम धातु समान ताप पर नम वायु की उपस्थिति में, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में, नम वायु की उपस्थिति में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है यानी MgO बनाता है, MgO बनाता है, लिख सकते हैं, क्या लिखना है, क्वेश्चन में लिखना है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो आंसर लिखना है मैग्नीशियम धातु समान ताप पर नम वायु की उपस्थिति में, लिखना है मैग्नीशियम, ठीक है, एकदम डिटेल बाय डिटेल लिखना है, यहाँ पर लिखना है मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर, एकदम सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में, नम वायु की उपस्थिति में, नम वायु की उपस्थिति में, हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO भी आप लिख सकते हैं या मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन के कहाँ रहता है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर क्या होता है, जमा हो जाता है काला सब, ठीक है, इसलिए लिखना है, इतने लिखना है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर क्या होता है, जमा होता है, इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को, लिख लिए यहाँ तक, इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल की सहायता से, रेगमाल या सरेस पेपर, ठीक है, रेगमाल या सरेस पेपर की सहायता से रगड़ रगड़ कर, इस तरह लिखना है, रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता है, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन होगा, हम लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, इसी में है, ठीक है, हम लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, तो आप क्या नहीं जानते हैं, नमी जो वायु के संपर्क में आ जाता है इसलिए, तो बिल्कुल लिखना है, हम लोहे की वस्तुओं को सुंदर इसलिए पेंट करता है कि ताकि सुंदर लगता है, ठीक है, तो हम लोहे की वस्तुओं को सुंदर के लिए और संक्षारण यानी जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पेंट करते हैं, तो सीधा लिखना है हम लोहे की वस्तुओं को सुंदर बनाने एवं जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं ताकि वायु की संपर्क में नमी में नहीं आ सके, बिल्कुल हो गया, ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन होगा, चिप्स, अब चिप्स जानते होंगे, ठीक है, चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा रहता है, ठीक है, उन चिप्स, मोबाइल में जो भरता है मेमोरी को भी बहुत कोई चिप्स बोलता है, तो वो चिप्स नहीं, खाने वाला जो चिप्स होता है कुड़कुड़े, वो सब में आप देखते होंगे कि चिप कौन सा गैस भर देता है, बच्चा लोग सोचते हैं कि उसमें इसलिए हवा भर देता है कि ज़्यादा लगेगा, 5 रुपया की चीज़ होता है या 10 रुपया की चीज़ में, ठीक है, ज़्यादा लगेगा इसलिए भर देता है, नहीं वो बात नहीं है, उसमें जो है गैस भर देता है, ठीक है, गैस इसलिए भर देता है ताकि कुछ दिनों तक खराब नहीं होगा, इसलिए भरा जाता है, तो चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस, तो लिख सकते हैं चिप्स की थैली यानी कुड़कुड़े में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, तो अगर आप पूरी तरह से चैनल को समझ गए हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक करने ना भूलें और सब्सक्राइब कर दें, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप खुजते खुजते परेशान हो जाइएगा, ठीक है, इतना ही नहीं, आप बने रहें चैनल पर, आप इसी के माध्यम से आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आता है कुछ रिएक्शन आता है, ठीक है, बनाने के लिए संतुलित समीकरण करने के लिए, ठीक है, तो आपको कैसे करना है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, ये बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ 99% आएंगे, 3 गो दे देंगे आपको, ठीक है, और आपको बनाना है 3 में 3 नंबर, आपको 3 गो बनाना है, आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह के दे देगा और बोलेगा इसको संतुलित करें यानी बैलेंस करें, बैलेंस मतलब बराबर करें, ये देखना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 गो है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन इधर देखें, हाइड्रोजन 1, 2, 3 गो हो जाता है और यहाँ पर 2 गो हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक तो लिखना ही नहीं है, कम से कम लिखना है 2, 3, 4, 5, अक्सर 2 और 3 ही लिखा था, अभी 4 और 5 का वैल्यू आप लोगों में यानी 10th में बहुत कम ही देते हैं, ठीक है, 2 और 3 से ही बन जाएगा, एक तो लिखना नहीं है, 2 या 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा, 5 ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है, बहुत कम, तो 2 और 3 ही लिखने से हो जाएगा, ठीक है, मैं ये एक मतलब ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, K+H2O तीर के निशान KOH2, ठीक है, तो आपको लिखना है,
हाइड्रोजन यहाँ पर दो गो है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक से हाइड्रोजन एक गो हो गया, यहाँ पर दो गो हो गया, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर तीन गो हो गया इधर, और इधर दो गो है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिए दो, यहाँ पर दो लिख दिए। ध्यान से देखें, संतुलित करने में बता रहा हूँ, ये अभी सिंपल तरीका से बता देते हैं और आसानी से। हाइड्रोजन इधर चार गो हो गया, तो इधर हाइड्रोजन के गो हो गया, दो गो इधर है एगो यहाँ, यानी यहाँ पर दो लिखने से बात गड़बड़ा गया कि दो गो कैसे होता है पोटेशियम, दो गो पोटेशियम, दो गो ऑक्सीजन, अब दो गो हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के गो हो गया, दो गो यहाँ, दो दो चार, और यहाँ भी दो दुना के चार गो, यानी हाइड्रोजन इधर भी चार गो हो गया, इधर भी चार गो हो गया, ठीक है, गड़बड़ा गया। अब पोटेशियम यहाँ पर दो गो हो गया, तो यहाँ पर लिखे तो पोटेशियम के गो हो गया, दो गो पोटेशियम यहाँ हो गया, तो दो गो पोटेशियम यहाँ है, दो गो हाइड्रोजन के गो हो गया, दो गो यहाँ और दो गो यहाँ, चार गो, तो यहाँ भी हो गया दो गो दुना के चार गो हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन के गो हो गया दो गो, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, यहाँ पर दो गो, यानी अब क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। तो आपको लिखना है कि यही चीज से हम उतार देना है 2K2H2O, इसी में नहीं लिखना है, नीचे सेम दो और दो उतार लेना है पहले क्वेश्चन, और दो तीर के निशान 2KOH+H2 लगा देना, आपको नंबर मिल जाएगा। अगर इस तरह के नहीं आएंगे तो एक दूसरा उपाय मैं बता देता हूँ, इस तरह आएगा, ठीक है। ध्यान दे, रहेगा नाइट्रोजन, हिंदी दे देगा, ठीक है, और आसान है, लेकिन सूत्र याद रखना होगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन तीर के निशान लिखना है अमोनिया। मान के चलिए एक उदाहरण दे रहे हैं, कुछ भी दे सकता है, ये 100% आएगा, नहीं आएगा तब बोलिएगा, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आना है, हर परीक्षा में आता है। नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, एन से नाइट्रोजन, लेकिन केमिकल रिएक्शन में N2 हो जाता है, हाइड्रोजन का H2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अमोनिया का सूत्र हो जाता है NH3 को से अमोनिया बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले इसका जो नाइट्रोजन है इसका लिख दिए, इसका हिंदी लिख दिए, प्लस है प्लस, तीर के निशान जो चीज़ है लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, हाइड्रोजन यहाँ पहले ध्यान देना है, हाइड्रोजन यहाँ पर तीन गो है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन दो गो है, यहाँ पर तो नाइट्रोजन है, ठीक है, तो तीन है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर दो लिख दिए, तो हाइड्रोजन के गो हो गया, तीन दुना के छः गुना हो जाता है, तीन दुना के छः गो हाइड्रोजन इधर हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के गो हुआ दो गो, तो यहाँ पर तीन लिख दिए, तो तीन दुना के छः गो हाइड्रोजन इधर हो गया, नाइट्रोजन के गो हुआ दो गो, तो नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ दो गो, ये हो गया संतुलित। आपको फुल अंक मिल जाएगा और नंबर नहीं काटे। अब डिटेल बाय डिटेल हर किसी का, अब यहाँ पर दे दिया है PbNO3 का होल टू का रिएक्शन बड़ा बड़ा, तो आप डिस्क्रिप्शन में, चैनल के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप जाएं, आप चैनल से पूरी तरह से संतुलित करने सीख जाएं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और जुड़ जाएं, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल के माध्यम से पढ़ें। आप कभी भी फेल या क्रॉस नहीं होइएगा, आप इतना नंबर ला दीजिएगा, इतना कि आपके गांव में पूरा हल्ला हो जाएगा कि उसका बेटा या उसका बेटिया ने इतना नंबर कैसे ला दिया, आश्चर्य हो जाएगा, पूरा गांव में दूसरा जिला से आ जाएंगे आपके रिजल्ट देखने के लिए, और टीचर सब पूरी तरह से ताली ठोकेंगे, ठीक है।